कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, झूठा वादा को लेकर बनी। आज उनके झूठे वादों से पूरा किसान, मजदूर और गरीब त्रस्त हो गए। अब वो झूठा वादा का जवाब एक एक मतदाता छत्तीसगढ़ की सरकार को देगा। यहाँ का विधायक पाली तानाखार का, आदरणीय मोहित क्रिकेटा जी, एक तो चुनाव के टाइम में क्रिकेटा सर ने हमको छिपा दिए थे, बैलेट पेपर हमने देखा है, आप भी देखे होंगे, खाली मोहित लिखा था, मोहित राम। और चुनाव जीतने के बाद वो बाद में क्रिकेटा सरनेम लिखा। 5 साल में अभी एक एक गांव का हम दौरा कर रहे हैं तो कहीं विकास का काम उसने नहीं किया, बल्कि एक एक अधिकारी मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि हर विभाग से वसूली करने का काम किया है, ये बात छिपी नहीं है। और तो और सरपंचों का लगातार फोन आ रहा है कि भैया हम लोगों से काफ़ी मात्रा में धन की वसूली किया, लेकिन अभी तक हमें काम पास करके नहीं दिया। अब चुनाव की घोषणा हो गया, हम बड़े दुविधा में हैं कि हमारे जो एडवांस दिए उसका क्या होगा। चौथी बातें आई, आम जनता ने कहा कि भाई विकास की बात करना तो दूर की बात है, ये तो धर्मांतरण पे जोर दे रहा है। सपल्बा में इसने धर्मांतरण का स्कूल खोल रखा है। चैतमा में जहाँ एक घर के क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं है, वहाँ उसने चर्च बना के गांव वाले को बरगलाने का काम कर रहा है। इसी तरह से कल डोंगर तरही गांव गया था मैं, हमारे पूरे आदिवासी भाई लोग हैं, मुझे पता चला कि वहाँ 5-6 घर के गोंड आदिवासियों को, 10 या 11 घर के हैं चौहान समाज के, इनको अपने माया जाल में फंसाकर, हिंदू धर्म से छुड़ाकर उसने क्रिश्चियन कम्युनिटी में शामिल कर लिया है। लगभग 1 से 1.5 हज़ार लोगों को, भोले भाले लोगों को, कहीं भूत प्रेत का भय दिखाकर, कहीं इलाज करने का डॉक्टर बनकर, उनको उनके मन को मोड़कर, उनके मन दिमाग को डाइवर्ट कर हमारे विश्व हिंदू धर्म से अलग करने का काम ये कर रहा है। आपने देखा होगा कि लोग हमेशा दोहरी राजनीति करते हैं, तेज बाबा साहब को 2.5 साल में मुख्यमंत्री बनाने का वादा किए, उनका वादा पे पानी फेर गए। जब अभी चुनाव आया है तो एक लॉलीपॉप पकड़ा दिए, डिप्टी सीएम बना दिए। बीच में मेरे को पेपर में पढ़ने को सुनने को मिलता है, उसके बावजूद भी बाबा को फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं, काम नहीं कर पा रहा है। तो ये कौन सा कांग्रेस पार्टी है मुझे समझ में नहीं आता। अब उसी का नतीजा है पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी से देश के जनता का विश्वास टूट गया। छत्तीसगढ़ में तो आंखों देखा देखने को मिल रहा है, पहला शिकार तो उन्होंने मुझे बनाया, मेरे से पहला शिकार डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ती को बनाया, उसके बाद दूसरा शिकार अरविंद नेताम को बनाया, मुझे तीसरा शिकार बनाया, अब चौथा शिकार के रूप में बाबा जी को बना चुके थे, अब बाबा को साधने में लगे हैं। तो लास्ट टाइम में भैया दवाई पानी करने से मरीज जो है तकलीफ में ही रहता है। तो कांग्रेस सरकार जो है अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ता को नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरे को क्या संभालेगा। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस समापन की ओर है।